नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं एनीवन न्यूज और आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। चारा घोटाला मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फैसले में लालू यादव समेत 17 लोग दोषी करार दिए गए हैं जबकि 5 बरी कर दिए गए हैं। 3 जनवरी को अब सजा पर सुनवाई होगी। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में फैसला आ गया है और लालू यादव को सीबीआई की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब 3 जनवरी को उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। इसी मामले में आरोपी जगन्नाथ मिश्रा को रिहा कर दिया गया है। अब तय हो गया है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव इस बार नया साल जेल में ही मनाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि जगन्नाथ मिश्रा को इस मामले में रिहा कर दिया गया है। दरअसल साल 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से पशु चारे के नाम पर अवैध ढंग से 89,27,000 रुपए निकालने का आरोप है। इस दौरान लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। हालांकि ये पूरा चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए का है जिनमें से एक देवघर कोषागार से जुड़ा केस है। इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे जिनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्टूबर 1997 को मुकदमा दर्ज किया था। आज लगभग 20 साल बाद इस मामले में फैसला आ गया है। इससे पहले चाईबासा कोषागार से 37,70,00,000 रुपए अवैध ढंग से निकालने के चारा घोटाले के एक दूसरे केस में सभी आरोपियों को सजा हो चुकी है। इस केस में लालू प्रसाद के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, पशु चिकित्सक डॉक्टर के प्रसाद और शेष अन्य चारा आपूर्ति कर्ता आरोपी थे। सभी 38 आरोपियों में से 11 की मौत हो चुकी है जबकि 3 सीबीआई के गवाह बन गए हैं। वहीं 2 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था जिसके बाद उन्हें 2006-07 में ही सजा सुना दी गई थी। इसी प्रकार इस मामले में आज अदालत कुल 22 आरोपियों के खिलाफ ही फैसला सुनाई है। शिवपाल सिंह की अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों के गवाहों के बयान दर्ज करने और बहस के बाद अपना फैसला 13 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव खत्म होने के बाद आज फिर गुजरात पहुंचे जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पहले सोमनाथ मंदिर जाकर दर्शन किए। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल के मंदिर दौरों पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे, वहीं अब ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद उवैसी ने भी उनके मंदिर दौरों की आलोचना की है। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने 27 छोटे बड़े मंदिरों में दर्शन किए और मत्था टेका। यहां तक कि राहुल गांधी ने जब गुजरात नवसर्जन यात्रा का आरंभ किया तो वो सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर गए और चुनाव प्रचार का आगाज किया। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी इस बदले रूप को कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व भी कहा गया। बीजेपी ने उनके मंदिर दौरों को राजनीतिक स्टंट करार दिया तो वहीं ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में मंदिर मंदिर गए और उन्होंने मुसलमानों की अनदेखी की। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि राहुल किसी मस्जिद या दरगाह क्यों नहीं गए, यहां तक कि किसी मुस्लिम नेता के साथ कोई तस्वीर तक सामने नहीं आई। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई वो तमाम हिंदुस्तान के आवाम को सोचना पड़ेगा। ये मेरा मसला नहीं है तो सबका मसला है, सबको सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस के कायदीन बीजेपी के कायदीन इलेक्शन की मुहिम नहीं कर रहे थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कोई 20 मंदिर को गए तो उसने कहा मैं 27 को जाऊंगा, कोई 2 कर गया तो बोला कि मैं गाड़ी में बैठकर जाऊंगा, कोई गाड़ियों में गया तो उसने कहा कि मैं और गाड़ियों में जाऊंगा, तो फिर आखिर वजीर आजम ने कहा कि मैं सबको पीछे छोड़ देता हूं, मैं प्लेन से जाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। राहुल ने गुजरात जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी का नाम किसी फिल्म कैरेक्टर के नाम पर रखना हो तो उसका नाम होगा लाई हार्ट। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी बहुत झूठ बोलती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी शुक्रवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जोश में दिखे थे। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा था कि वो चुप क्यों हैं। राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के बेटे जय शाह के मामले में अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनी वन न्यूज।
गांधीनगर में हुई बीजेपी विधायकों की बैठक में विजय रूपाणी को विधायक दल का नेता चुना गया है। गुजरात के सीएम के रूप में विजय रूपाणी के नाम पर मुहर लगी, जबकि नितिन पटेल को डिप्टी सीएम चुना गया है। सीएम और डिप्टी सीएम चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में ये फैसला लिया गया। इस बैठक में दूसरे पर्यवेक्षक सरोज पांडे, प्रदेश भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव और उप प्रभारी वी सतीश भी पार्टी मुख्यालय में उपस्थित थे। दिल्ली के रोहिणी में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अयाशी का आश्रम चला रहे ढोंगी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का फरुखाबाद से भी पुराना नाता है। पुलिस ने यहां उसके 34 साल पुराने आश्रम पर छापा मारा है। पुलिस ने यहां से बालिग और नाबालिग कुल 53 महिलाओं को भी बरामद किया है। दिल्ली में ढोंगी बाबा वीरेंद्र दीक्षित के आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में भी उनके आश्रम पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस को आश्रम में कई तहखाने मिले हैं। पुलिस ने बालिग और नाबालिग कुल 53 महिलाओं को भी बरामद किया है। इससे पहले भी इस आश्रम की गतिविधियों और संपत्ति को लेकर CBCID और आयकर विभाग की टीम जांच कर चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। इसके बाद बाबा दीक्षित पर पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। पुलिस ने वीरेंद्र देव दीक्षित के कंपिल और सिकंदर बाग स्थित आश्रमों में छापा मारा। वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस भी लगाई गई है। दिल्ली में आश्रम से छुड़ाई गई लड़कियों के बाद से ही बाबा फरार है। सूचना मिली थी कि बाबा फरुखाबाद के आश्रम में छिपा है। इसके बाद SP ने 100 से अधिक पुलिस फोर्स के साथ सिकंदर बाग और कंपिल के आश्रम में एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आश्रम के अंदर पुलिस की महिलाओं से झड़प भी हुई। आश्रम के अंदर कई तहखाने मिले हैं। सिकंदर बाग आश्रम से 8 और कंपिल आश्रम से 45 महिलाएं बरामद हुई हैं। इसमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस सभी महिलाओं को कोर्ट में पेश करने की बात कह रही है। सर्वोदय नगर में बाबा का आश्रम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। एक महीने पहले भी यहां पर नाबालिग लड़कियों के होने की सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। उस समय भी पुलिस को यहां लड़कियां नहीं मिली थी, लेकिन सेविकाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की थी और यहां के आश्रम संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में रमन सरकार के खिलाफ लाया गया कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव 38 के मुकाबले 48 मतों से गिर गया है। बहस के दौरान रमन सरकार ने हर मुद्दे पर खुलकर बहस की। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी बहस देखने को मिली। 22 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस दोपहर 12 बजे से शुरू हुई थी, जो 23 दिसंबर को सुबह करीब 7 बजे खत्म हुई। रमन सरकार ने 2 साल के भीतर दूसरी बार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। शुक्रवार को प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश के संसदीय इतिहास का 6वां और मौजूदा सरकार के विरुद्ध दूसरा अविश्वास प्रस्ताव रखा। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव ने सदन में आरोप पत्र रखा। इसमें सरकार को सत्ता से बाहर करने 168 कारण बताए गए हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे सरकार के लिए शुभ बताया। कहा, जितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आता है उतनी बार हम सत्ता में आते हैं। विधानसभा का ऐतिहासिक ये 4 दिन का सत्र और आज समापन, अभी अविश्वास प्रस्ताव पे 21 घंटे की चर्चा और करीब करीब 47 सदस्यों ने हिस्सा लिया, मेरा मिला के 48, और इतना व्यापक चर्चा, इतनी लंबी चर्चा छत्तीसगढ़ के इतिहास का, विधानसभा का सबसे बड़ी चर्चा हुई। और मैं विधानसभा के सभी साथियों को, अध्यक्ष जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी मंत्रीगण सबको धन्यवाद दूंगा कि अच्छी चर्चा हुई और एक प्रकार से सरकार का पक्ष जिस प्रकार मंत्रीगणों ने, विधायकगणों ने उपलब्धियों को, सरकार की योजनाओं को लाने का प्रयास किया, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। बहुत तैयारी के साथ, बहुत मजबूती के साथ
एक एक पक्ष को सामने रखा गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले ही सरकार की तरफ से विपक्ष पर हमले होने लगे। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि जिन विषयों को लेकर सरकार पर आरोप लगाए गए हैं उन सभी के जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं। राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि मान्य परंपरा ये रही है कि अविश्वास प्रस्ताव मौजूदा सरकार के कार्यों के आधार पर ही लाया जाता है, लेकिन इसमें सभी मुद्दे पुराने हैं। चंद्राकर ने कहा कि ये प्रस्ताव चर्चा करने योग्य ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31 अक्टूबर को हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाली नाबालिग लड़की से गैंग रेप करने वाले चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक महीने के करीब चली सुनवाई के बाद शनिवार को आरोपियों को ये सजा सुनाई है। भोपाल की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज की अदालत में 21 नवंबर से मामले पर प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ही विदिशा में रहने वाली और भोपाल में यूपीएससी की कोचिंग कर रही 19 वर्षीय छात्रा के साथ हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास चार लोगों ने गैंग रेप किया था। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भयानक सड़क हादसा हुआ है। जिले की बनास नदी के पुल में से एक मिनी बस नदी में जा गिरी। इस हादसे में करीब 20 लोगों के मरने की खबर आ रही है। हालांकि ये संख्या बढ़ भी सकती है और इस हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक भयानक सड़क हादसे में कम से कम 30 लोगों के मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि सवाई माधोपुर के पास यात्रियों से भरी एक बस बनास नदी में गिर गई। हादसे में कई गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सवाई माधोपुर में सुबह 7 बजे एक धार्मिक यात्रा पर जा रही बस बनास नदी में गिर गई। बस में करीब 60 यात्री सवार थे और बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। लालसोट और कोटा मेगा हाईवे पर बनास नदी की पुलिया पर तेज गति से जा रही बस ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई और रेलिंग को तोड़ते हुई नदी में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंच गए। बस को तोड़कर उसमें से शवों को बाहर निकाला गया। 6 घायलों का उपचार सवाई माधोपुर की सरकारी अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से जयपुर से डॉक्टर सवाई माधोपुर के लिए रवाना किए गए हैं। डिवीजनल कमिश्नर सुधीर कुमार और पुलिस आईजी आलोक वशिष्ठ मौके पर पहुंचकर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें परिजनों को सुपुर्द किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच के आदेश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। अमेरिका ने आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बताया कि उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अपनी सरजमी पर तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों को पनाह देने पर एतराज जताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान अपनी सरजमी पर आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं करता तो उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। इंदौर में खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 88 रनों से मात दी है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 T20 मैच की इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है। इस मैच में रोहित शर्मा ने सिर्फ 35 गेंदों पर शतक बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस मुकाबले में और भी बहुत रिकॉर्ड बने हैं। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने सिर्फ 35 गेंदों का सामना करते हुए T20 करियर का अपना दूसरा शतक ठोक दिया। इस सेंचुरी के साथ ही उन्होंने डेविड मिलर के T20 में 35 गेंदों में शतक ठोकने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की। इस साल की बड़ी फ्लॉप फिल्म ट्यूबलाइट से दर्शकों को निराश करने वाले सलमान खान ने हालिया रिलीज
टाइगर जिंदा है से एक बार फिर क्रिटिक्स और दर्शकों का दिल जीत लिया है। 5 साल बाद भी टाइगर का क्रेज दर्शकों के दिलों में कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि एक था टाइगर फिल्म की सीक्वल फिल्म टाइगर जिंदा है ने ओपनिंग डे में अच्छी कमाई दर्ज की है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे प्रेडिक्शन का आंकड़ा तो फिल्म नहीं छू पाई है, लेकिन पहले दिन फिल्म ने ठीक ठाक कमाई कर ली है। ट्रेड एक्सपर्ट द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था कि फिल्म ओपनिंग डे पर 40 करोड़ रुपए कमा लेगी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने पहले दिन 32.93 करोड़ रुपए की कमाई की है। क्या फिल्म था भाई, बहुत अच्छा फिल्म था, ऐसा फिल्म मस्त बनाया। अरे ऑसम हुए भाई जान, एक नंबर, बहुत अच्छा, एक नंबर है, बहुत अच्छा भाई जान का मस्त फिल्म है, सुपर मूवी, अच्छा लगा। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, इट इज एक्सट्रीमली गुड भाई 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 सलमान भाई, एक नंबर भाई, भाई का पिक्चर है, ब्लॉकबस्टर पिक्चर है, म्यूजिक इज ऑसम, सुपर हिट है, सारे अवार्ड लेके जाएंगे इस बार। उनके पास सलमान सलमान खान है, एक नंबर भाई है, भाई तो सही रहेगी ना, सल्लू भाई बोले तो भाई, धमाल धमाल कर दिया, फुल धमाल है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर है, वेरी नाइस मूवी। टाइगर जिंदा है की ओपनिंग कलेक्शन ने फिल्म को साल की सबसे बड़ी ओपनर बॉलीवुड फिल्म बना दिया है। हालांकि बाहुबली 2 की ओपनिंग कलेक्शन का रिकॉर्ड कोई फिल्म अब तक नहीं तोड़ पाई है, लेकिन ये फिल्म डब फिल्म थी। साल की सबसे बड़ी ओपनर का रिकॉर्ड फिल्म गोलमाल अगेन के नाम रहा था। इस फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन 30.14 करोड़ रहा था। टाइगर जिंदा है की ओपनिंग कलेक्शन को लेकर एक और दिलचस्प बात है। एक था टाइगर की ओपनिंग डे कलेक्शन भी 33 करोड़ रही थी और 5 साल बाद टाइगर जिंदा है की भी कलेक्शन 33 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।